पहले के तूफानी लाल यादव और अब के तूफानी लाल यादव में बहुत अंतर है। अभी आप आध्यात्म की भी बात करते हैं, अभी आप समाज सेवा की बात करते हैं, अभी आप मंदिर बनवाने की बात करते हैं, स्कूल बनवाने की बात करते हैं, गांव को विकास की ओर ले जाने की बात करते हैं। पहले के तूफानी लाल यादव क्या थे? सिर्फ कि स्टार्डम था उनके सवाल, चाहे कंट्रोवर्सी कोई अंतरा सिंह प्रियंका के साथ कर ली जाए, बात की जाए, या कुछ आपने भी अश्लील गाने गाए हैं, आपने अच्छे भी गाने गाए हैं। नहीं लिखी गई हम अश्लील के प्रचम लहरा दिल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, ये बनावटी बात नहीं। जी जी, लेकिन हम बीमारी से पहले हम अश्लीलता वीडियो बनावल छोड़ दिल रहे, ये से छोड़ रहे, दिल के बात बताओ। हम सुतनी सुता रही, सोचत नहीं एक दिन की जीवन हम काम करत नहीं, पैसा तो कमाते इसे, लेकिन हमरा का महसूस भइल कि जीवन हम काम करत हैं, आवे वाला यूपी बिहार के कुल लड़का फोर्स में जाए जो रहबे ना करी हस, सीना छोड़ दी उन्हीं के कमरे खत्म हो जाए, कमरे से कमजोर हो जाए हस, तो वही सोच के हम कहीं ना ये पीढ़ी हम खत्म कर दे। आपने तो छोड़ दिया, लेकिन जो आज के नए कलाकार हैं वो चीज नहीं छोड़ रहे हैं और डेली कोई ना कोई अश्लीलता भरे गाने आ रहे हैं, चाहे ढोड़ी चट्टा को लेके ले लो, हालांकि मैं नहीं बोलता किसी को, लेकिन ऐसी चीजें चल रही हैं। चाहे तो आप देखिए बुलेट राजा कुछ अच्छे अच्छे गाने ले आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो कि जिसके बारे में विवाद भी हो रहा है, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? हम ये कहूँ कि लड़का गाओ तो उनका ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, बाकी बच बचा के गावे के चाहिए। ऐसा कि भैया लहंगा उठा के आशीर्वाद लेके जा, गांव देहात में ब्रह्म बाबा को हम पूजते हैं, औरतें माथा टेकती हैं, वो ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं कि मैं शब्द अभी ले नहीं सकता, एक सनातन संस्कृति धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देवरा चलो ठीक है, चंचल का तो चल जाएगा, लेकिन वो ऐसे गाने गा रहे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ गा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। होत रहेला, क्योंकि अभी आप एक समाज सेवक भी हैं, मुखिया भी हैं, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको गाली नहीं दे सकते, निवेदन तो कर सकते हैं। अच्छा, निवेदन उन लोग को दे जो ना बन नहीं, उन लोग दो सारा भाषा का रंगदार गाना ले आकर लड़का सुने लगे हस, ऐसा लड़का बन लो। हाँ। तो सुन देखिए, बिहार में दारू बंद बा ना, बताइए दारू चालू रही तो ठीक रही, काहे अब दो नंबर का दारू पियत आदमी, एगो तो पैसो जियान होता, बिहार आर्थिक स्थिति से ग्राफ गिरता, और दूसरा के में रोग होता, रोग ऐसे होता कि डबल केट दारू पियता, नकली दारू ओहू से ज्यादा हानि करता, लोगों की मौत हो रही, हाँ लोगों की मौत होता।